कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने हरियाणा न्यूज के साथ खास बातचीत की। इस दौरान धनखड़ ने कहा कि तीन देशों के दौरे से बहुत कुछ सीखने को मिला और अब अलग अलग देशों की टेक्नोलॉजी के आधार पर यहां भी काम करेंगे। तीन देशों के दौरे से कृषि मंत्री वापस आ चुके हैं। इस वक्त कृषि मंत्री ओपी धनखड़ जी हमारे साथ मौजूद है। धनखड़ साहब, तीन देशों का विदेश दौरा रहा, क्या कुछ खास रहा, क्या कुछ देश में आप लेके आए हैं? देखिए, बहुत सारे एक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के हमको सीखने वाले हैं। साथ काम करना है, उनकी इंडस्ट्रीज के साथ काम करना है, जो उनकी ऐसी कंपनीज हैं जैसे उनकी कंपनी बल्क में डील करती है, तो बल्क में डील करने वाले किसानों की कोऑपरेटिव है, उसके साथ बात की है कि उनकी चीज़ें हम कैसे उनसे सीख सकते हैं। इसी तरह से जो हमारी देसी खाद होती थी उसको स्टैंडर्डाइजेशन का काम उनकी सीवाइज ने किया है, तो सीवाइज के साथ मिलकर हम वो टेक्नोलॉजी दे सकते हैं जिससे उसको स्टैंडर्डाइजेशन कर सकें। डेयरी ऑस्ट्रेलिया के साथ हम उनके डेयरी के अनुभवों को बांट सकते हैं। फूड सेफ्टी सिक्योरिटी में वो हमसे अच्छा काम कर रहे हैं। मोरडा यूनिवर्सिटी के साथ हमने उस विषय का एमओयू साइन किया है, और इसी तरह से नैनो टेक्नोलॉजी का भी एग्रीकल्चर में और में कैसे कैसे उपयोग हो सकता है उस विषय पर भी हमारी उनसे अच्छी बात हुई। उत्पादन की बात करें, दूध उत्पादन को लेकर क्या कुछ नई तकनीक? न्यूजीलैंड दोनों हमसे बहुत आगे हैं। ऑस्ट्रेलिया में प्रति पशु दूध उत्पादन 15 लीटर प्रतिदिन है और वहाँ 17 लीटर प्रतिदिन प्रति पशु है। 40 लाख पशु न्यूजीलैंड में हैं और न्यूजीलैंड जो है वो 8 करोड़ लीटर दूध रोजाना पैदा करता है। हमारे पास 36 लाख है, लेकिन उनका दूध उत्पादन की मात्रा देखेंगे तो हमारी केवल 2 करोड़ 27 लाख लीटर है। तो हमारी 6.3 जो है वो कुल मिला के औसत है, उसको हम कैसे वहाँ तक ले जाएँ और उसका आधुनिकीकरण कैसे करें। उन्होंने बहुत अच्छे से आधुनिकीकरण किया है। हजारों पशुओं का दूध वो कुछ घंटों में निकाल लेते हैं और बिल्कुल आदमी की उसमें टच नहीं होती है। तो उनकी जेनेटिक्स, उनका चारा और उनका मैनेजमेंट, तीनों चीज़ हमारी सीखने की है जिसमें हम उनमें आगे बढ़ रहे हैं। एक आखिरी सवाल मैं किसानों का जोड़ लेता हूँ। 30 तारीख को किसान संगठनों से सरकार की मुलाकात होनी है, जो हरियाणा के किसानों की तरफ से प्रदर्शन किए गए, पिछले दिन हाईवे जाम किए गए। हरियाणा के किसानों की मांगों को लेकर आप क्या कहेंगे, चाहे कर्ज माफी की बात हो चाहे दूसरी? मैं तो शुरू से किसान नेता हूँ और किसान भाई अपनी मांग उठाते रहे, ये बहुत आवश्यक है और हम उसमें से अच्छा करते रहे, हमारे लिए है। तो आप किसानों की बात पूरी रखेंगे, जो किसानों की मांगें करें? हमेशा कर्ज माफी की खास रखता ही रहा हूँ। किसानों की बातें सरकार के द्वारा जो भी व्यवहार्य है, जो भी बेहतर, हर स्टेट की अपनी सिचुएशन है, हमारे स्टेट के हिसाब से जो बेस्ट हम कर सकते हैं वो किसानों के लिए करते जाए। धनखड़ साहब का यही कहना है कि जो किसानों के मुद्दे लगातार धनखड़ साहब पहले भी उठाते रहे और जो आने वाले दिनों में जो सरकार से किसानों की मुलाकातें होंगी उसमें भी जो किसानों की जो स्वीकार्य मांगे होगी, सरकार उन मांगों को मानेगी। कैमरामैन मुकेश के साथ अनिल मोर, हरियाणा।